जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम यूक्रेन और रूस से संबंधित जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी सुनेंगे। चलिए देखते हैं। अब रूस और यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है। रूस यूक्रेन के पीछे पड़ गया है। वो अब किसी भी सूरत पर रुकने वाला नहीं है। वो प्रत्येक परिस्थिति में यूक्रेन को जीतना चाहता है, चाहे कुछ भी हो। तो अब लास्ट स्टेज बची है कि वो परमाणु हमला कर सकता है, ऐसा सुनने में आया है। और राष्ट्रपति पुतिन ने भी ऐसा कहा है कि वो अब अपने जो परमाणु बटालियंस हैं उनको उन्होंने रेडी रखने के लिए कहा है। और बस एक बम चलेगा तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मतलब जिसका असर पूरी दुनिया में दिखाई देगा। और परमाणु बम इतना भयानक बम होता है जो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। इससे सबसे पहले हमले हुए थे, मतलब अमेरिका ने दो हमले किए थे, नागासाकी और हिरोशिमा पर दो हमले किए थे। इसमें जापान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा था उनके बीच दो हमले किए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को दो हमले लगातार किए गए थे जो अमेरिका ने किए थे जापान के ऊपर, जिससे भारी तबाही हुई थी। मतलब पूरी दुनिया, जो नागासाकी पूरा शहर था, एक बड़ा शहर था जो पूरा मलबे में तब्दील हो गया था, वहाँ मतलब सभी लोग अपंग हो चुके थे, कुछ मर गए थे। इतना इसका टेम्परेचर इतना होता है कि परमाणु बम का कि आदमी की हड्डी तक पिघल जाती है। तो वहाँ आज तक, आज भी ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर आज भी इसका प्रभाव देखा जाता है, कुछ अपंग और ऐसे पैदा होते रहते हैं। तो मतलब हमारी तो यही इच्छा होगी कि ये परमाणु हमला ना हो, क्योंकि इनसे हमला होने से पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है, पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मतलब जापान और अमेरिका में इतना गहरा युद्ध हुआ था कि इसकी तबाही इतनी भयंकर होने के बाद तब जापान ने सरेंडर किया था। मतलब जापान की सेना ने उसके बाद सरेंडर कर दिया था, जब ये परमाणु बम दो फेंके गए तभी सरेंडर कर दिया था। तो वही सोच के पुतिन भी ऐसा कर सकते हैं, वो परमाणु बम को फेंक सकते हैं, जिससे परमाणु बम फेंकने से यूक्रेन स्वतः समर्पण कर दे, ऐसा वो करना चाहेंगे। और पुतिन तो ऐसे हैं, वो ऐसा करना चाहते भी हैं। मतलब उनकी लास्ट स्टेज यही रहेगी कि वो, और ऐसा मतलब इस स्थिति में यूक्रेन को लाने वाला सिर्फ अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका अगर इतनी हमदर्दी नहीं दिखाता और इनको इतना बढ़ाता चढ़ाता नहीं तो ये ऐसा कभी नहीं करते, वो शांत रहते अपना जीवन यापन कर। तो मतलब यूक्रेन में बहुत बड़ी तरक्की है, यूक्रेन बहुत बड़ी तरक्की पे है, और ये सब मतलब अमेरिका ने ऐसा गलत कदम उठाया कि उससे नाटो और अमेरिका ये सबसे ज़्यादा इस बात के जिम्मेदार हैं जो स्थिति आज इसकी यूक्रेन की हो रही है, वो नाटो और अमेरिका के ऊपर ही है। नाटो और अमेरिका के कारण ही ऐसी स्थिति आज यूक्रेन की हो रही है। मतलब बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, लेकिन उनके पास सेना इतनी मजबूत नहीं है जो रूस की सेना से मुकाबला कर सकें। तो मेरा मतलब पुतिन से यही गुजारिश है कि परमाणु हमला न करें, क्योंकि ऐसा करने से पूरी दुनिया को हानि पहुंचेगी, और पूरी दुनिया को हानि पहुंचने से पूरे विश्व में सभी को हानि पहुंचेगी, तो तय भी उनको भी हानि पहुँच सकती है। इसलिए नेक्स्ट जानकारी के लिए जुड़े रहें हमसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।